हाँ, तो आज का जो क्लास है वो है हिस्टोलॉजी ऑफ द लीवर, मतलब लीवर के अंदर की संरचना के बारे में। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि जो प्रत्येक लीवर था उसमें जो लोब्यूल्स पाया जाता था वो हेक्सागोनल आपका प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर था, जिसमें आपका बाहर से ग्लिसन कैप्सूल से घिरा हुआ था, वो कनेक्टिव फाइबर्स का बना हुआ था। हम लोग में केवल मैमेलियन लीवर में ही पाया जाता है। प्रत्येक लोब्यूल के बीच में जो है ना वो सेंट्रल वेन होता है, जो थिन वाल्ड होता है, ब्लड वेसल्स के रूप में होता है आपका, और वो आपका लोब्यूल के एकदम बीचों बीच रहेगा। अगला है हिपैटिक कॉर्ड या प्लेट्स। हिपैटिक कॉर्ड या प्लेट्स क्या है, वो आपका एक सेल जो है ना मोटाई का रेडियाई कॉर्ड होता है, जो आपका सेंट्रल वेन से जाता है पेरीमीटर की तरफ। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम देखते हैं फिगर से। देखिए, फिगर में आप देख रहे होंगे कि ये आपका एक छोटा सा टुकड़ा है लोब्यूल का, है ना, बड़ा करके उसको देखना चाह रहे हैं। इसमें आपका ये देखिए, ये है आपका साइनुसॉइड है, और ये जो है आपका ये आपका क्या है, सेल्स है। साइनुसॉइड के बीच में साइनुसॉइड है और ये है सेल्स। ये जो सेल देख रहे हैं आप, वो सेल देखिए कहाँ पर होता है, कैसे होता है, थोड़ा सा साइनुसॉइड में आ जाइए। साइनुसॉइड जो है ना वो ब्लड फिल्ड इरेगुलर शेप स्पेस है, जो हिपैटिक कॉर्ड में पाया जाता है, हिपैटिक कॉर्ड के बीच में होता है, और इसका निर्माण होता है किससे, हिपैटिक आर्टरी और हिपैटिक पोर्टल वेन्स जो था उसमें जो आकर मिलता है, वो आपका सेंट्रल वेन में आता है, तो उसके पहले सब आपस में मिलकर एक बड़ा सा ब्लड फिल्ड इरेगुलर स्पेस बनाता है, उसी को साइनुसॉइड कहते हैं। इसमें और क्या है, कपर सेल पाया जाता है, लार्ज फैगोसाइटिक सेल्स होता है जो साइनोसाइट में पाया जाता है, और ये जो कपर सेल्स होता है वो मॉडिफाइड मोनोसाइट्स होता है। इसमें और हम लोग जो रचना देखते हैं, देख लीजिए थोड़ा सा साइनोसाइट को फिर से देख लेते हैं। साइनोसाइट यहाँ पर आपका जो है ना वो क्या कर रहा है, ब्लड को लेकर जा रहा है, सेंट्रल आपका जो वेन था वो उसको उसके तरफ जा रहा है वो लेके, और प्रत्येक जो साइनोसॉइड है वो ब्लड को लेकर आपका कहाँ चला जाता है, सेंट्रल वेन में चला जाता है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, साइनोसॉइड के बारे में हो गया, कपर सेल उसी में पाया जाता था। नेक्स्ट है कपर सेल में, यहाँ पर देख लीजिए, ये कपर सेल था आपका। ये फिगर आपको हम दिखा रहे हैं कपर सेल का, वो जो हल्का पीला टाइप का जो है वो इरेगुलर आपका है रचना, उसको कह रहे हैं कपर सेल। ठीक है, मोनोसाइट्स का मॉडिफिकेशन होता है, और ये क्या करता है, जो भी बैक्टीरिया वगैरह आता है भोजन के साथ, वो या वो अगर लीवर में घुस जाए तो उसको ये क्या करता है, ब्लड से अगर लीवर में आ जाए या कहीं से आ जाए तो उसको ये क्या करता है, समाप्त करता है। अगला है स्पेस ऑफ डी से। स्पेस ऑफ डी से जो होता है वो आपका साइनोसॉइड में पाया जाने वाला स्पेस होता है, जो साइनोसॉइड और हिपैटिक सेल का जो कॉर्ड होता है, हिपैटिक कॉर्ड दोनों के बीच में पाया जाता है। ये आपका स्पेस ऑफ डीसे आपका खोजा गया था डीसे के द्वारा, चूंकि ये सबसे पहले देखा गया था इसलिए इसका नाम पड़ा स्पेस ऑफ डीसे। अब है पोर्टल ट्रायड। पोर्टल ट्रायड क्या है, आपका जो लोब्यूल्स होता है, लोब्यूल्स के बीच में जो स्पेस होते हैं, उन स्पेस में जो है आपका हिपैटिक आर्टरी और हिपैटिक पोर्टल वेन तथा बाइल डक्ट्यूल का वो आपका तीन तीन का समूह होता है, उसी को कहते हैं पोर्टल ट्रायड या पोर्टल ट्रैक। नेक्स्ट है हिपैटिक सेल्स या हिपैटोसाइट्स और पैरेन्काइमा सेल्स। ये जो होता है आपका हिपैटिक सेल का ही नाम है, मतलब कि जो आपका लीवर है, लीवर में जो सेल्स है, देखो वो लीवर के जो सेल्स हैं उसी को यहाँ पर हिपैटिक सेल्स या पैरेन्काइमा सेल्स कह रहे हैं। ये देखिए, ये जो रो आपको दिख रहे हैं लाल जैसा नजर आ रहा है, इसमें गिन सकते हो आप सेल्स, देखो अरेन्ज है, इसी को कॉर्ड बोल रहे हैं। या ये जो आपका वो आपका ईंट जैसा कुछ नजर आ रहा है या पत्थर जैसा जो नजर आ रहा है वो क्या है, हिपैटिक सेल। तो फिर से आइए, हिपैटिक सेल या हिपैटोसाइट्स क्या है वो आपको बता दिया। हिपैटिक सेल या हिपैटोसाइट्स क्या था, वो आपका पॉलीगोनल सेल होता है, जिसमें न्यूक्लियस क्या होता है, बीचों बीच होता है सेल के, और काफी बड़ा होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। साइटोप्लाज्म जो होता है दानेदार होता है, ग्रैनुलर होता है, जिसमें आपका क्या होता है, सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स होता है। अब हिपैटिक सेल जो है ना वो अपना सिक्रीशन देता कहाँ है, तो प्रत्येक हिपैटिक सेल जो होता है अपना सिक्रीशन जो है वो बाइल बाइल कैपिलरी में देता है। बाइल कैपिलरी जो है ना
हिपैटिक सेल के चारों तरफ से वो आपको उसको घेर के रखता है और उसी में इस सिक्रीशन जब इसका जाता है तो ये आपका ग्रुप जैसा नजर आता है वो, और वो हिपैटिक सेल से रिसीव करके बाइल को दे देता है बाइल डक्ट्यूल में। बाइल डक्ट्यूल का जो है ना वो आपको इसको खोजा था हेरिंग ने, इसलिए इसको कैनाल ऑफ हेरिंग भी कहते हैं। ये आपका इंटरलोबुलर जो स्पेस होता है, मतलब जो लोब्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसमें पाया जाता है बाइल डक्ट्यूल। और ये क्या करता है, कई बाइल कैपिलरी जो होता है एक लोब्यूल का उसको उससे मिलकर बनता है, मतलब प्रत्येक लोब्यूल से एक बाइल डक्ट्यूल निकलता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं राइट हिपैटिक डक्ट की तरफ। राइट हिपैटिक डक्ट जो होता है वो आपका कहां से आता है, तो आपका दाहिना लोब जो होता है उसमें जितना हिपैटिक डक्ट होता है बाइल डक्ट्यूल वो सब आपस में मिल जाता है और मिलकर एक आपका राइट हिपैटिक डक्ट के रूप में खुलता है। अब राइट हिपैटिक डक्ट कहां से निकलेगा, वो आपका दाहिना जो है ना लीवर से निकलेगा वो। उसके बाद अगला है आपका कॉमन हिपैटिक डक्ट। कॉमन हिपैटिक डक्ट बनता कैसे है, तो लेफ्ट हिपैटिक जो आपका लोब था, जो लीवर का लेफ्ट लोब था वहां से जो निकला है उसको बोलेंगे क्या, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, और जो राइट से निकला है उसको क्या बोलेंगे, राइट हिपैटिक डक्ट। राइट हिपैटिक डक्ट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट जो है ना दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और मिलकर क्या बनाते हैं, कॉमन हिपैटिक डक्ट बनाते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर थोड़ा सा हिपैटोसाइट्स के बारे में और देख लेते हैं। हिपैटोसाइट्स को देख लो, ये आपका क्या है, सजा हुआ है एकदम रो में, और ये जो सजा हुआ था ये आपका सजावट इसकी जो होती है वो सजावट आपकी इसको गिना जा सकता है। देखो एकदम सिंगल लेयर के रूप में है, सिंगल जो है ना आपका, हम लोग यहाँ पर देख रहे थे आपका ये आपका हिपैटिक सेल्स देखिए अरेंज है, और हिपैटिक सेल जो है ना अरेंज जो था आपका वो आपका कैसे सजा हुआ था, उस तरह से सजा हुआ था कि एक रो में है, हाँ वो रो में आपका हिपैटिक सेल सजा हुआ है, और ये लोब्यूल्स में इसी तरह से होता है। तो अब हम आपको हम बता रहे थे यहाँ पर कहाँ तक आए थे, डक्ट तक आए थे। डक्ट जो होता है राइट डक्ट हिपैटिक डक्ट हो गया और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट हो गया, आपका जो राइट लोब से जो आया उसको बोलेंगे राइट हिपैटिक डक्ट, और जो लेफ्ट से आएगा उसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। ये आपका दोनों के दोनों यूनाइट होकर क्या बना दिया, कॉमन हिपैटिक डक्ट बना दिया, और ये दोनों ये बना किससे, राइट और लेफ्ट के मिलने से, ध्यान रखना है। अब सिस्टिक डक्ट की बात करते हैं। देखो सिस्टिक डक्ट क्या होता है, सिस्टिक डक्ट जो है ना वो आपका गॉल ब्लैडर से निकलने वाला डक्ट होता है। गॉल ब्लैडर का जो डक्ट निकलता है उसको बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। ठीक है, ये गॉल ब्लैडर से जो जो आपका निकलता है आपका डक्ट उसको क्या बोल रहे हैं, सिस्टिक डक्ट बोल रहे हैं। ठीक है, वो आपका कॉमन हिपैटिक डक्ट के साथ मिल जाता है, और कॉमन हिपैटिक डक्ट के साथ मिलकर कॉमन बाइल डक्ट बनाता है। कॉमन बाइल डक्ट जो है वो आपका स्फिंक्टर और बोएन के द्वारा गार्डेड होता है, और वो चला जाता है कहां पर, एम्पुला ऑफ बैटर में खुलता है। एम्पुला ऑफ बैटर में खुलकर वो क्या करता है, अपना सिक्रीशन को देता है एम्पुला ऑफ बैटर में। देखो स्फिंक्टर ऑफ बोएडन यहाँ पर जो आप देख रहे हो, स्फिंक्टर ऑफ बोएडन जो है ना, स्फिंक्टर ऑफ बोएडन क्या करता है, ये इसको बंद करके रखता है। अगर आपका ड्यूओडेनम में भोजन ना हो तो स्फिंक्टर ऑफ बोएडन जो है ना वो क्या करता है, बंद कर देता है, जिससे बाइल जो लीवर से आते रहता है हमेशा वो किस में चला जाता है, गॉल ब्लैडर में चला जाता है। ठीक है, गॉल ब्लैडर में चला जाता है, और गॉल ब्लैडर जो है ना उसको क्या करता है, कंसंट्रेट करता है। उसके बाद वो आपका जब आपका भोजन आ जाएगा ड्यूओडेनम में तो उसको क्या करता है, वो दे देता है। तो देखो ये जो घेरा है, ये घेरा आपको बता रहा है किसके बारे में, ये आपको लीवर का एरिया बता रहा है। लीवर से जो निकला है डक्ट उसका नाम क्या हो गया, कॉमन हिपैटिक डक्ट, और सिस्टिक डक्ट किसका हो गया, गॉल ब्लैडर का हो गया। वो दोनों मिलकर आपका क्या कहलाएंगे, कॉमन बाइल डक्ट कहला जाएंगे। कॉमन बाइल डक्ट जो है वो आपका यहाँ पर खुल गया किससे, स्फिंक्टर ऑफ बोएडन से, क्लियर हो जाना चाहिए। और अब हम आगे बढ़ जाते हैं, अब यहां से जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं इसमें आपको, हाँ ये देखिए लीवर को हम ऐसे घेर के दे रहे हैं, ये सब जो है ना लीवर के अंदर का बात है।
अब लीवर से बाहर जो है ना वो आपको यहाँ पर दिखा है ये सब, ये जो है ना बोइडन स्पिंक्टर और बोइडन जो है ना वो क्या कर रहा है, लीवर से जो सीक्रेशन आ रहा है बाइल के रूप में उसको कहाँ भेज देना है, गॉल ब्लैडर में भेज देना है, उसको पार नहीं होने देगा जब तक भोजन नहीं रहेगा स्पिंक्टर में, और जब तक तब तक पार नहीं होगा जब तक भोजन नहीं आएगा, और सिस्टिक डक्ट जो है ना वो आपका गॉल ब्लैडर से जब वो आपका जरूरत पड़ेगा तो लेके आएगा। हाँ देखो ड्यूडेनम में जैसे ही भोजन आया वो क्या होगा वहां से लेके उसको आ जाएगा, किसको किसको आपका बाइल को, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर हम आपको दिखाना चाह रहे थे ये आपका देख लीजिए पूरा का पूरा जो है ये लीवर का पोजीशन दिखाना चाह रहे थे कि लीवर में क्या है, और नीचे देखिए गॉल ब्लैडर कैसे लटका हुआ है। यहां से जब हम अब आगे बढ़ते हैं तो देखिए इसमें अब जो है ना हम आगे बढ़ जाते हैं, जो आपको बता रहे थे उसको यहाँ पर लिख दिए हैं वो उसको देख लीजिए। ये कॉमन बाइल डक्ट था, ऊपर में कॉमन बाइल डक्ट कहाँ पर खुला वो आपको बता दिए थे हम, खुला और बेटर था, फिर स्पिंक्टर और बोइडन था। स्पिंक्टर और बोइडन क्या कर रहा था आपको जो है ना एम्पुला और बेटर के में कॉमन बाइल डक्ट के ओपनिंग को आपको देखता था वो, ठीक है ना। हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट जो है ना उसके ओपनिंग को स्पिंक्टर और ओडी जो है ना वो आपका कंट्रोल करता था, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं तो हमको मिलेगा अब क्या बाबू, देखिए यहां पर अभी आपको दिखाते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, हाँ तो इसमें देखिए ये जो है ना आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर को लिखे हैं यहाँ पर। अब हम आते हैं बाइल में, बाइल जो होता है ना वो लीवर का सिक्रीशन था, और ये जो है ना आपका कलर कैसा होता है इसका, येलो ग्रीन होता है। इसका अमाउंट आपको बता ही दिए 800 से 1200 ml होता है, ठीक है। और ये आपका जो है आपका क्या होता है, निकलता कहाँ से है तो लीवर से, लेकिन कंसंट्रेट कहाँ होता है,